हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भरत के डॉग्स में। तो दोस्तों, ये है मेरे डॉग्स डब्बू और डॉली। अभी शाम का टाइम है और ये कर रहे हैं यहाँ पे गार्डिंग। तो डॉली को अभी 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, 7 मंथ लग गया उसको। तो काफी अच्छे से गार्डिंग कर रही है डब्बू के साथ। दोस्तों, शाम से लेके और सुबह तक भोटिया डॉग एकदम पागल बन जाते हैं, खूंखार जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे एक भी पत्ता गिर रहा है तो ये एकदम इतनी चौकसी से पहरेदारी कर रहे हैं कि क्या बताएं। दोस्तों, हमारा घर गांव से एक अकेली जगह पे है और वहाँ के लिए ये डॉग्स बहुत ही बढ़िया हैं। तो दोस्तों, किसी बाहरी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके होते हुए हमारे घर पे आ जाए बिना पूछे। तो दोस्तों, ये किसी को आने देते नहीं। दोस्तों, गार्डिंग के लिए बेस्ट डॉग है। तो दोस्तों, मैं आपको एक परसों की बात बताता हूँ। डब्बू आया हुआ था जंगल में और डब्बू अपना साइड से चल रहा था और तभी एक बैल आया और डब्बू को मतलब सींगों से मारने लगा। हो मैंने सोचा डब्बू किनारा हो जाएगा, ये तो भाग जाएगा, इधर उधर हो जाएगा वो। पर दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसे मैंने सोचा था। डब्बू ने उस बैल की खोपड़ी पकड़ ली और अकेले ही भिड़ गया उस बैल से। दोस्तों, मैं ये सब देख के एकदम शॉक हो गया। दोस्तों, अपने से 2-3 गुना बड़े जानवर से भिड़ना कोई नॉर्मल बात नहीं है। फिर मैंने उस बैल को छुड़ाया बड़ी मुश्किल से। दोस्तों, वैसे तो भोटिया डॉग काफी शरीफ होते हैं जब तक उन्हें छेड़ा ना जाए। दोस्तों, जब भोटिया की सटक जाती है तो काफी पावरफुल और खूंखार हो जाते हैं, अकेले ही भिड़ जाते हैं अपने से बड़े जानवरों के साथ। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।